हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की हमारी रेसिपी बहुत ही यूनिक, बहुत हेल्दी, टेस्टी है। ये मेरी दादी नानी वाली रेसिपी है, हमारी ट्रेडिशनल रेसिपी है, और ये है अदरक की पत्तियों के चीले। हाँ, अदरक की पत्तियों के चीले, और इसमें कोई भी आर्टिफिशियल कलर नहीं है या फूड कलर नहीं है। ये नेचुरल ही ग्रीन बनते हैं, क्योंकि ये हमने अदरक की पत्तियों से बनाया है, और इसका टेस्ट भी बहुत अमेजिंग होता है। आप ट्राई ज़रूर कीजिए। रेसिपी पसंद आए तो लाइक तो बनता है, शेयर भी कीजिए। जो न्यू है मेरे चैनल पे, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अब देखते हैं रेसिपी। ये पत्तियाँ मार्केट में नहीं मिलती हैं, तो ये पत्ती मैंने अपने घर से ही ली है। देखिए, घर में ही मैंने बहुत थोड़ा सा अदरक लगा कर रखा है, ये देखिए। और इस पर मैंने वीडियो भी बनाया था, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। देखिए, एक पॉट में भी लगाया है, पॉट में भी बहुत अच्छे से ग्रो होता है। और यहाँ से मैं अच्छी अच्छी पत्तियाँ तोड़ कर ले लूँगी चीले बनाने के लिए। तो ये देखिए, पत्तियाँ तोड़ भी ली है और अच्छी तरीके से धो लिया है इनको, और बारीक बारीक पीसेस में फिर हम काट लेंगे। तो अच्छे से धोने के बाद फिर इनको काट लेना है। तो आपको इन पत्तियों को अच्छे से धो लेना है, दो तीन पानी, और देखिए इस तरीके से बारीक बारीक पीसेस में हम काट लेंगे। अब मुझे अदरक की पत्तियाँ थोड़ी कम पड़ रही है, तो मैं इसमें लूँगी अरबी के पत्ते, और गला खुजाने वाले पत्ते नहीं हैं। तो देखिए, अदरक तो काट लिया है और यहाँ पत्ते भी लिए हुए हैं मैंने। तो ये वो वाले पत्ते हैं जिनसे गला नहीं खुजाता है, और घुइया के पत्ते जो होते हैं वो नहीं हैं, ये दूसरी वैरायटी वाले हैं। तो इनको भी हम काट के इसी में डाल देंगे। अगर अदरक की पत्तियाँ ज़्यादा हो तो इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, पूरे अदरक की पत्तियों से ही बना लिया जाता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि पत्तियाँ कम पड़ जाएगी, इसलिए मैंने ये पत्तियाँ ली हुई है। आप इसकी जगह पालक भी ले सकते हैं, बहुत अच्छी लगेगी वो भी। अब एक मिक्सर जार ले लिया है, और इसमें सारी कटी हुई पत्तियाँ हम डाल देंगे, और साथ ही इसमें डालेंगे हम आधा चम्मच नमक। इससे क्या होगा कि ये पत्तियाँ बहुत अच्छे से पीस जाएगी। और इसमें पानी भी ऐड करना होगा, तो आधा गिलास पानी डाल देती हूँ मैं, और इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे हम। तो देखिए, पेस्ट भी बनकर हमारा रेडी है, एकदम अच्छा पीस लीजिए चिकना। अब एक पतीले में निकाल लेते हैं हम ये पेस्ट। अब जो दूसरी पत्तियाँ काटी थी, ये वाली, ये भी उसी तरीके से हम पीस लेंगे, एकदम चिकना पेस्ट बना लेंगे। तो इसमें चटपटे टेस्ट के लिए हम डालेंगे हरी मिर्चियाँ। आप इन पत्तियों की जगह पालक ले लीजिए, पालक से भी और भी अच्छे बनेंगे। थोड़ा पानी भी डाल दिया है इसमें, और तीन हरी मिर्च ली है, आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लेना है। हरा धनिया ले लिया है, अब इसका भी हम पेस्ट बना लेते हैं। तो देखिए, इसका भी एक फाइन पेस्ट बन गया है, इसको भी हम उसी पतीले में डाल देंगे। अब पत्तियों का पेस्ट तो एकदम रेडी है। अब इसमें हमें डालना होगा चावल पीस कर। तो यहाँ देखिए, डेढ़ कप चावल, यानी कि 1.5 चावल मैंने 2 घंटे पहले भिगो के रखा था, धो के भिगो लिया था अच्छे से, और इनको भी हम पीस लेंगे। तो पानी के साथ पीसना है, और थोड़ा नमक इसमें भी डाल दीजिए। इसका भी हमने एक पेस्ट बनाया है, लेकिन इसका एकदम चिकना पेस्ट नहीं बनाना है, दरदरा सा इस तरह का पेस्ट बनाना है। अब ये भी इसमें डाल देते हैं जहाँ पत्तियाँ पीस के डाली हुई थी। मिक्सर जार को धोकर भी हमने थोड़ा पानी इसमें डाल दिया है। अब इसमें 1 चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर डालेंगे हम, और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे अजवाइन अच्छे टेस्ट के लिए। और देखिए, 1 कप मैंने लिया है यहाँ चावल का आटा, और 1/2 कप लिया है गेहूं का आटा। तो गेहूं का आटा हम इसमें डाल देते हैं, चावल का आटा हमें ज़रूरत के हिसाब से डालना होगा। तो देखते हैं कितना लगता है। तो गेहूं के आटे को हम मिक्स कर देते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे चावल का आटा। तो अगर आपके पास चावल का आटा नहीं होना, तो इसमें जो हमने चावल डाला है, उन चावलों को आप बढ़ा दीजिए। 1 कप चावल या 1/4 कप चावल आप ज़्यादा ले लीजिए, तो चावल के आटे की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। देखिए, अब चावल का आटा मैंने 1/2 कप डाल दिया इसमें, इसको मिक्स करते हैं, फिर ज़रूरत होगी तो थोड़ा और डाल देंगे हम। वैसे तो पूरा भी आटा डाल सकते हैं, लेकिन इसका जो एकदम ग्रीन कलर है,
वो थोड़ा फीका हो जाएगा। तो ये मिक्स कर दिया है, अब थोड़ा आटा मैं और डाल देती हूँ। तो तीन हिस्सा आटा हमें लग गया है इस कप से और एक हिस्सा आटा मैंने बचा लिया है। पूरा भी आटा हम डाल सकते हैं लेकिन मुझे ज़्यादा ग्रीन कलर अच्छा लगता है इसलिए मैंने थोड़ा बचा लिया है। ये देखिए एक हिस्सा आटा मैंने बचा लिया है चावल का। और अब हमारा बैटर कुछ इस तरीके से है। तो ये मुझे थोड़ा गाढ़ा लग रहा है तो मैं थोड़ा पानी इसमें ऐड करूँगी, आधा कप से भी कम थोड़ा सा पानी इसमें ऐड किया है। फिर से मिक्स कर दूंगी। अब इसमें नमक तो हमने पीसते टाइम डाला था लेकिन टेस्ट करके देख लीजिएगा, कम हो तो आप और डाल लीजिएगा। तो नमक आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लेना है। और देखिए बैटर इसी तरीके का बनना चाहिए, ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए इससे, नहीं तो चीले अच्छे से बनेंगे नहीं। तो मैं थोड़ा नमक और डाल देती हूँ, मैंने टेस्ट करके देखा तो थोड़ा कम लग रहा था, बैटर को थोड़ा सा टेस्ट किया था। अब देखिए हमारा बैटर एकदम रेडी है चीले बनाने के लिए। अब हम चीले कैसे फैलाएंगे तवे पे, तो ये भी मैं एक पुराना तरीका बता रही हूँ आपको। ये ले ली है मैंने अमरूद की पत्तियाँ अच्छे से धोकर, इनकी जगह पे आप आम की पत्ती भी ले सकते हैं। ऐसे फोल्ड कर देना है और बीच में लगा देंगे एक छोटी सी लकड़ी। तो ये रेडी कर लिया है। अब इससे मैं चीले कैसे फैलाऊंगी वो आगे देखिएगा। अब यहाँ एक नॉनस्टिक तवा गरम करने रख दिया है, इसको ऑयल लगा के ग्रीस कर देते हैं। और इस बात का ध्यान रखिए कि चीले बनाते टाइम तवा बहुत अच्छे से गरम हो जाए तभी बैटर डालिएगा, नहीं तो चीले चिपकेंगे और अच्छे से नहीं निकलेंगे। तो थोड़ा बैटर डाल के चेक कर लीजिए उसके लिए। तो देखिए तवा हमारा बहुत अच्छे से गरम है। अब हम तवे पे बैटर डाल देते हैं चीले के लिए। तो एक बड़ा चम्मच बैटर मैंने डाल दिया है। और देखिए पत्ती की हेल्प से कैसे फैलाना है, पत्तियों से हम फैलाएंगे ना तो चीले बहुत पतले बनेंगे, अच्छे बनेंगे। और आप सिर्फ चम्मच से ही फैलाएंगे तो मोटे मोटे से बनेंगे, अच्छे नहीं बनेंगे। तो इसलिए हम लोग पत्ती से फैलाते हैं और ये हमारा बहुत पुराना तरीका है पत्तियों से फैलाने का। मैं आगे आपको एक और तरीका बताऊँगी चीले फैलाने का। एक प्लेट से ढक दीजिए, ढकना भी ज़रूरी है। अब 2-3 मिनट बाद ही खोला है मैंने, तो इस तरीके से है। और फ्लेम रखना है हाई टू मीडियम। अब ऑयल लगा के ग्रीस कर दिया है और अब चीले को हम पलट देंगे। तो देखिए बहुत ही आसानी से ये चीला पलट जाएगा और एक बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है इससे और टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा। आप चाहे तो ये चीले मीठे भी बना सकते हैं, इसमें थोड़ा गुड़ और शक्कर डाल सकते हैं बैटर में, तो मीठे चीले भी बन जाते हैं इसके। कुछ लोग मीठा पसंद करते हैं तो मीठे चीले बना लेते हैं। तो देखिए हमारा चीला यहाँ एकदम रेडी है। अल्टी पल्टी करते हुए बहुत अच्छे से इसे सेक लीजिए आप। अब मैं दूसरा तरीका बताती हूँ आपको। तो बैटर डाल दिया एक चम्मच और चम्मच से थोड़ा फैला दिया। अब हम इसे स्पैचुला से पतला करेंगे। तो एक स्पैचुला ले लीजिए इस तरीके का लकड़ी का और इसे फैलाते हुए थोड़ा पतला कर दीजिए। सभी तरफ से एक बराबर हो जाएगा और पतले पतले चीले बन जाएंगे इस तरीके से भी। अब पत्तियां तो सब जगह नहीं मिलती है ना अमरूद की और आम की, तो स्पैचुला ही अच्छा रहेगा। अब ये चीला भी बन गया, इसको भी ऑयल लगा देंगे और 2-3 मिनट लगेगा बस आपको। और क्रंची खाना है तो थोड़ा 2-3 मिनट और देखिए क्रंची क्रंची सेक लीजिए आप अच्छे से, तो वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। देखिए अल्टी पल्टी करते हुए हमें सेक लेना है। और इसी तरीके से मैंने चीले रेडी कर लिए हैं और ये गर्मा गर्म अच्छे लगते हैं। आप चाहें तो इनको टमेटो केचप के साथ सर्व कर सकते हैं, बच्चों को तो केचप के साथ ही पसंद होते हैं लेकिन गुड़ और घी के साथ भी ये बहुत अच्छे लगते हैं और हम लोग पहले गुड़ और घी के साथ ही खाया करते थे। रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। बाय बाय।